इस टाइम कंटिन्यू आप लोग बहुत सारी न्यूज़ देख रहे होंगे पीएसडी के को लेके कि पीएसडी को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, नेट जेआरएफ को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे अफवाह भी फैल रही हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि पीएसडी के लिए ये लोग काफ़ी सोच रहे हैं, पीएसडी को मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ पे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, तो आपको पीएचडी की नीड नहीं होगी। तो इसको लेके क्या सच्चाई है, क्या सारी चीज़ें हैं, ये मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि इस पे लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 10 तारीख को मीटिंग हुई थी यूजीसी की, उसमें डिस्कस किया गया था कुछ चीज़ें, उसके बाद कंटिन्यू उल्टी सीधी हर तरह की न्यूज़ें आ रही हैं, तो ये न्यूज़ कितनी सच है कितनी नहीं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूज़ क्या है, इसके ऊपर क्या बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर जाएंगी। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला, कैसे हैं आप लोग? रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हायर एजुकेशन के ऊपर मैं बात करती हूँ, प्लस आप लोगों के रेलेवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। कभी कभी अगर आंसर में लेट भी हो जाती हूँ तो ठीक है, कभी कभी मैं लेट आंसर देती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके रेलेवेंट क्वेश्चन हो उनका आंसर मैं जरूर दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। यही टॉपिक है जो आप लोग भी मुझसे काफ़ी पूछ रहे हो और कन्फ्यूज हो, काफ़ी डिस्कस कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, न्यूज़ में कंटिन्यूसली आ रहा है कि पीएचडी को ख़त्म करने की मांग की जा रही है। तो अगर पीएचडी को खत्म करने की मांग की जा रही है तो फिर पीएचडी वैकेंसीज निकली क्यों रही हैं, जरूरत क्या है पीएचडी के लिए, क्यों इतने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, फिर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर बाहर से आके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो पीएचडी कराने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उन्होंने इसमें कहा था कि 1 जुलाई 2021 से पीएचडी को कंपलसरी कर दिया जाएगा एडमिशन लेने के, पीएचडी को कंपलसरी कर दिया जाएगा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ें क्लियर हो गई थी तो सबको लगा कि हाँ 2021 से हो गया, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद से 2 साल के लिए इन्होंने इसका नोटिस भी आपको यूजीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, प्लस मैं नीचे भी डाल दूंगी तो आप उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया था कोरोना की वजह से, यानी कि 1 जुलाई 2021 से जो रूल फॉलो होने वाले थे उसको 2023 तक कर दिया गया था, 1 जुलाई तक, यानी कि अभी पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। अभी अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे भी किसी यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी की अभी कोई वैल्यू नहीं, पीएचडी की अभी कोई वो नहीं है कि बिना पीएचडी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाल सकते हो फॉर अ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये चीज़ सब जानते हैं, 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि अभी इसकी कोई भी बात नहीं है। लेकिन 10 मार्च को जगदीश कुमार जी के प्रेजेंस में जो मीटिंग हुई है, जो कि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी के वीसीज के साथ में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि पीएचडी को हटा दिया जाए, यानी कि पीएचडी को मैंडेटरी न रखा जाए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि कोई भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है, यानी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है तो उसको पीएचडी कंपलसरी न किया जाए, यानी कि वो स्टूडेंट वो लोग भी यहाँ पर पढ़ा सकते हैं जिनके पास पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है। इन लोगों का मेन ये था कि ये चाहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है वहाँ के जो बहुत ज़्यादा वेल जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास पीएचडी नहीं है, उनके पास नेट नहीं है, उनके पास इस तरह की हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आगे आने वाला जो टाइम है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलेंगी और बदल भी रही हैं, तो प्रोफेशनल्स जो हैं जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, किसी फील्ड में उन्होंने काफ़ी अच्छा कर लिया है, क्रिएटिव कर लिया है, लेकिन अगर वो 50 साल 60 साल 70 साल के हैं तो वो उस चीज़ को लेके पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास नेट नहीं है, उनके पास पीएचडी नहीं है, तो वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों का ये चाहते हैं कि जो भी हमारे वेल सेटल्ड लोग हैं, यानी कि बिल्कुल ही बिजनेसमैन काइंड ऑफ लोग हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, वो लोगों को भी मौका मिले कि यहाँ पे पढ़ाएं। लेकिन एक तरह से अगर ये इस तरह का मौका देना ये लोग शुरू कर देंगे तो जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है इतना सारा, उन लोगों का क्या होगा? तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, लेकिन याद रखिएगा अभी तक कोई भी रियल नोटिस नहीं आएगा, यूजीसी की वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बातें चल रही हैं लेकिन अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पीएचडी को कभी भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं पीएचडी का क्या करना है अगर ये लोग बाहर से लोगों को रखना शुरू कर देंगे तो फिर पीएचडी करने का मतलब क्या है, पीएचडी करने का मतलब है और हमेशा मतलब रहने वाला है, तो उस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइए। जो भी इस टाइम एडमिशन फॉर्म निकल रहे हैं आप उसको भरिए और पीएचडी में एडमिशन लीजिए। देखिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, उनके लिए कुछ अलग सीट्स तैयार की जाएंगी, उनका कुछ अलग क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा। अभी किसी चीज़ को लेकर
लोग क्लियर नहीं है, यानी कि कोई भी ओरिजिनल या फिर लिखित में कोई चीज़ें नहीं आई हैं। तो जब तक कोई भी पेपर के थ्रू कोई चीज़ नहीं आती है, तो न्यूज़पेपर इन लोगों पर आप बिलीव नहीं कर सकते हो। जब तक वेबसाइट कोई चीज़ कोई नोटिस नहीं निकालता है, तब तक हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल्स पढ़ाने के लिए कहीं के लिए भी आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो उनकी एक अलग सीट्स उनके लिए बनाई जाएंगी, उसके ऊपर आएंगे। जो नॉर्मल सीट्स हैं उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हटा दिया जाएगा। उनकी अपनी वैल्यू रहेगी और हमेशा रहेगी। अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग इसको लेके विद्रोह करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं तो बहुत अच्छा है, आप करते रहिए। और आप देख रहे हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, डेफिनेटली लीजिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की कोई क्लियरिटी नहीं आई है तो आप इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चीज़ें आएंगी और जाएंगी, क्योंकि डिस्कशन होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं और न्यूज़पेपर वाले कुछ कम ज़्यादा करते रहते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, जो भी बिलीव कीजिएगा यूजीसी की वेबसाइट पे बिलीव कीजिएगा। पीएचडी की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं करी जाएगी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर पीएचडी के लिए ख़त्म भी कर जाता है, तो देखिए जो भी लोग ये प्रोफेशंस लोग आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दी, कोई म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, म्यूज़िक में काम कर रहा है, 30 साल 40 साल उन्होंने काम किया है, उन्हें लगता है कि अब मैं पढ़ा सकता हूँ और बहुत कुछ अच्छा सिखा सकता हूँ, कि जो इस टाइम जो स्टेज चल रही है उसमें मैं कुछ और अच्छा सिखा सकता हूँ, तो उनको सिर्फ मौका दिया जाएगा कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे आइए सिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि उन्हें मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास नेट नहीं था या फिर पीएचडी नहीं था, तो वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते थे। वो कोई सेमिनार कर सकते हैं, वो कोई किसी तरह का प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में जाके वो नहीं पढ़ा सकते थे। तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ सोचा गया है, तो शायद इस तरह की चीज़ें होंगी। तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, जो पीएचडी है उसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। पीएचडी आपको करिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो डेफिनेटली पीएचडी की तरफ देखिए और हायर एजुकेशन में आइए और अच्छा रिसर्च दीजिए, अच्छा कंट्रीब्यूशन कीजिए। तो उसको लेके आपको ज़्यादा टेंशन में नहीं आने की ज़रूरत है कि पीएचडी की वैल्यू ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरह के डिस्कशंस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो उस पर लेके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें आप सब जानते हो, जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं लेकिन उनके पास पीएचडी नहीं था, लेकिन फ्यूचर में उनको प्रमोशन, देखिए प्रमोशन कोई ऐसा नहीं होता है जिसको प्रमोशन नहीं चाहिए, तो प्रमोशन के लिए उन्हें फिर पीएचडी की नीड होती है। तो आप देखते हो जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वहाँ पे एग्जेम्पशन कैटेगरी में या फिर वेटेज वाली कैटेगरी में, इस चीज़ को आपको हमेशा देखते रहते हो कि आता है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या जो भी हैं जिनके पास जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको वेटेज दिया जाएगा। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 40 साल 50 साल 55 साल पे भी अपनी पीएचडी पूरी करते हैं फॉर अ प्रमोशन। देखिए प्रमोशन सबको चाहिए होता है, तो पीएचडी सोचिए जब 50 55 साल के प्रोफेसर्स को भी पीएचडी करा दी जा रही है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि 25 साल का 20 साल का स्टूडेंट है वो उसको तो करनी ही पड़ेगी। तो उसको लेके आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए, इस तरह की सिर्फ बातें चल रही हैं। जो भी ऐसा है कोई भी चीज़ें ख़त्म नहीं की जाएंगी, सारी चीज़ें चलती रहेंगी, यूजीसी की मीटिंग्स चलती रहती हैं और डिस्कशन आते रहते हैं। तो जब तक कोई भी वैलिड चीज़ें नहीं आती हैं उसको लेके आप परेशान मत होइए, सारी चीज़ें ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो इस पे परेशान हो रहे हो और अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए जो भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहा हो, क्योंकि कोई भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, यूजीसी की वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। अभी वेबसाइट पे सिर्फ वही नोटिस पड़ा हुआ है जो कोरोना की वजह से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था पीएचडी को कंपलसरी करना, वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, यही लास्ट नोटिफिकेशन है, उसके सिवा कोई नोटिस नहीं है। तो इसको लेके आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।